कराची में होने वाले बम धमाकों का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो ये बम धमाके करा रहा है? इंसानियत रो रही है, चीख रही है, बिलक रही है। वो वीडियो जो आपके सामने आ रही है बार बार कि एक बच्चा बिलक कर अपनी मरी हुई माँ को हिलाकर कह रहा है, माँ उठो, प्लीज उठ जाओ। हम कितने खून के आंसू रोते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे? अब उनको तलाश करें कि जो इन बम धमाकों का जिम्मेदार है। और हम एक दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं कौन जिम्मेदार है? हमारे सामने है, कौन है ये जिम्मेदार? वही कि जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होते। पाकिस्तान में अफरा तफरी रहती है, पाकिस्तान में अनारकली बपा रहती है, वही जिम्मेदार है। और आपको और मुझे पता है कौन जिम्मेदार है। अभी ये एक दो धमाके जो हुए हैं हालिया एक दो वीक में, अभी इसी पे इक्तफा नहीं करेंगे, ये अभी और धमाके करेंगे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि कौम बाशऊर हो रही है, एक हो रही है, तो उनको मुंतशर करने के लिए और धमाके करेंगे। आप देखें अपने गली मोहल्ले में, अपने बाजारों में, अपनी हिफाजत खुद करें और अपनी आंखें खोल के रखें कि ये अब नई शरारत करेंगे। या तो किसी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहें, या तैयार रहें कि ये इसी तरह आपके शहरों को पुरअमन नहीं रहने देंगे, बदमनी फैलाएंगे इंतशार के लिए, या आपके मासूम बच्चों को निशाना बनाएंगे, ये औरतों को निशाना बनाएंगे, ये स्कूल कॉलेजेस में इंतशार फैलाएंगे। यही तो है जिम्मेदार। मुझे और आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ बनाइए टिकटॉक, उठ खड़े होइए कि अब आपकी ये चालबाजियां नहीं चलेंगी। हमें पाकिस्तान की हकीकी आजादी चाहिए और हम वो लेके रहेंगे, क्योंकि आजादी हमारा हक है। अब ये एक तरफ कभी हम ओवरसीज पाकिस्तानियों पर इल्जाम लगाते हैं, कभी आपके बेशऊर होने पर इल्जाम लगाते हैं। ये बम धमाके होते रहेंगे और ये बच्चे बिलकते रहेंगे, अगर आपने इनका सद्देबाब नहीं किया तो उठ खड़े हो पाकिस्तानियों और पकड़ लो इनको गरेबानों से कि ये तुम अब धमाके करके हमारे मासूमों की जान लेकर हमें नहीं रोक सकते। पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा इंशाल्लाह। खुदा